हर आदमी कह रहा है निकल लो निकलने वाले गर्वस्ता हालात ठीक नहीं है ये आप समझ लो बहुत गड़बड़ होने वाली है बड़ा लंबा गेम हो रहा है अच्छा उनको पता नहीं है गेम क्या हो रहा कौन कर रहा है हर बात में वो एक ही नाम लेते अमेरिका कर रहे हैं किसी का तंदूर गिर गया अमेरिका भाई ये इनमाल्वे इसमें वो किन्नू की रेड़ी उठा के ले गए मैं बोल रहे हो ना अमेरिका कर रहे भाई किसी के घर बच्चा नहीं हो रहा वो भी कह रहा है भाई ये अमरीका है अमरीका यार आखिर हम सारे इल्जाम एक दूसरे पे डालते क्यों हैं क्यों जा रहे हैं हम मुल्क छोड़कर सवाल ये पैदा होता तो हम मुल्क छोड़कर क्यों जा रहे हैं हमें रहना चाहिए यही इसी जमीन पे ये हमारा मुल्क है हमारा वतन है हमें रहना चाहिए दुख सुख आते जाते रहते हैं छाव धूप होती रहती है सर्दी गर्मी चलती रहती है लेकिन यहाँ पर तो जो आदमी है वो बाहर चला जाता है ऐसी शख्सियत ऐसे पाकिस्तान के पहले सबसे कम उम्र मेयर रहे हैं वो कराची के इस वक्त ओवरसीज़ पाकिस्तान के फेडरल मिनिस्टर हैं एम के एम मुतदा कौमी मोमेंट के रबता कमेटी के डिप्टी कन्वीनर हैं कई मरतबा एम पी एम एन ए और बहुत सारी वजारतों में रहे हैं हमारी आज के इस महफिल में तशरीफ लाने पर हम उनके मशकूर हैं और आपकी भरपूर तालियों में मैं उन्हें आने की दावत दूंगा तशरीफ लाते हैं मोहतरम जनाब फारूक सत्तार साहब वेलकम थैंक यू बहुत शुक्रिया और भाई आप जैसी शख्सियत को बुलाने का ये जो एजाज़ मुझे हासिल हुआ है ये इस पर मैं आपका शुक्रगुजार हूँ कि आप यहाँ हमारे प्रोग्राम में तशरीफ़ लाए आपने मोहब्बत से बुलाया मैं मोहब्बत से चलाया नहीं लोग आपको नफ़रत से भी बुलाते हैं तो आप मोहब्बत से चले जाते हैं ये मेरे ख्याल में यही हमारी तरबियत है और यही हमारी तहजीब। ये मैंने देखा है अपनी आंखों से तो मैं उसी बात को कहूंगा जो मैंने देखा है सबसे पहले मैं शुरू यहाँ से करूंगा कि एक यंग ये एक रिकॉर्ड है जो आपका है कि इतनी छोटी उम्र में आप मेयर बने थे कराची के कि मेरा ख्याल ये रिकॉर्ड था इससे छोटी उम्र मतलब कराची जैसे बड़े शहर के एतबार से ये एक रिकॉर्ड है कि साढ़े सत्ताईस साल की उम्र में अलताफ भाई ने और कराची के शहरियों ने मुझे इस शहर की कुंजी मेरे मुझे सौंपी थी क्या आपने उस कुंजी से उस शहर को खोला और फिर उसकी आपने हिफाजत भी कुंजी की की और आपने शहर की भी हिफाजत की और आपने साबित किया कि ऐसे नहीं कुंजी मिली थी कुंजी देने वालों ने भी सोचा था और आपने लेकर के उस कुंजी की हरमत का भी ख्याल रखा आपने और शहर का भी और उसको तरक्की के रास्ते पर भी आपने डाला जो मतलब ये हमारा एक मोटो रहा है कि साफ़ सुथरी हुकुमरानी जिसे गुड गवर्नेंस कहते हैं यस फिर उसके बाद आवाम की बिला इम्तियाज़ खिदमत जिसमें कोई तफरीक ना की जाए तमाम शहरीों की कोशिश की जाए यकसा खिदमत की जाए बेश और जो तामीर और तरक्की है उसके अमल को तेज़ किया जाए और उसमें लोगों को ओनरशिप दी जाए लोगों की मिलकियत, उनकी शमूलियत और उनकी शिरकत के बगैर उन्हें हम उनकी तकदीर का मालिक नहीं बना सकते तो लोगों कुछ जिम्मेदार आप तब बना सकते हैं पहले उनके मामला में उन्हें आप मिल्कियत दें मिल तो ये दे। मेरे ख्याल में हमारा फार्मूला है कि जिसके जरिए से आ, मैं आप आ, लोगों के दिलों तक पहुँचे हैं अलहदुल्ला और अलहदल एक बड़ी ताकत अल्लाह ने आपको अता फरमा दी है और एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी हैं जो आप खुशसलूबी से अदा कर रहे हैं आप कई मिनिस्ट्रीज में रहे हैं इस वक्त भी आप रबता कमेटी में डिप्टी कन्वीनर हैं आप माशाल्लाह बड़ा सियासी दौर देखा आपने हर चीज़ देखी आपने यानी कि सख्तियाँ भी देखी हैं नरमियाँ भी देखी हैं गर्मियाँ भी देखी हैं और हर माहौल आपने देखा फर्क भी मैं एक आपसे पूछना चाहता हूँ कि एक बेहतरीन पॉलिटिशन जो है बेदाग पॉलिटिशन और ऐसी सियासत जो कि वाकई में सामाजिक खदम्त और पब्लिक को लेकर के चलने वाली और पब्लिक के साथ चलने वाली इसके लिए एक सियासतदान में क्या उच होना चाहिए वैसे तो उसकी जो सियासत का महवर है जो कि मैं समझता हूँ कि हमारी तहरीक का और जो अलताफ़ भाई का मोटो है वो यही है कि सियासत बरए ख़दमत अगर ये अगर बुनियादी मोटो हैं और फिर खुदरती तौर पर आपका ताल्लुक़ मुतवस्त तबके से है या ग़रीब तबके से है तो उसमें आपकी आम लोगों तक एक्सेस भी बहुत ज़्यादा होती है उन तक रसाई भी बहुत ज़्यादा होती है और फितरी तौर पर लोगों में ये बात है और हम तो ये दावा करते हैं कि हम लोगों के लोग हैं यानी वी आर दी पीपल ऑफ़ पीपल हम उन उन्हीं में से हैं और उन मसाइल से भी फिर अगर आप गुज़रे हों जिन मसाइल की आप को हल करने का बेड़ा उठा रहे हों जिसमें बेरोज़गारी भी हो सकती है महंगाई भी हो सकती है गुर्बत भी हो सकती है तालीम की क्या कीमत है और तालीम और सेहत एक शहरी का बुनियादी हक़ हाँ होना चाहिए सही। ये रियासत की तरफ से तालीम और सेहत ये प्रिंसिपल्स ऑफ पॉलिसी में नहीं आना चाहिए बल्कि फ़ंडामेंटल राइट्स में आना चाहिए कि ये सिर्फ पॉलिसी के तौर पर स्टेट अपना फ़र्ज़ निभाए ऐसा नहीं होना चाहिए नहीं होना चाहिए। तो अगर ये सारी चीज़ों की कदर व आपकी ज़िंदगी में है फिर वैगनों में आपने सफ़र किया हो बसों में सफ़र किया हो तो ये चीज़ें तो क़ुदरती तौर पर आपकी जो एक इर्तका है आपकी ख़ुद जो ग्रोथ हो रही है तो वो सारी चीज़ें आपकी तरबियत में आ जाती हैं तो फिर आप दूसरों के दर्द को महसूस ज़्यादा आसानी से महसूस कर सकते हैं ये एक क़ुदरती बात है और मैं समझता हूँ कि अल्ता भाई को अल्लाह ताली ने यह एजाज़ दिया है कि उन्होंने एक ऐसी टीम को निकाला उन्होंने जो पाकिस्तान में सियासत की है वो जो मुरजा सियासत है उससे बिल्कुल मुख्तलिफ है और उन्होंने मुतवसत और ग़रीब तबके की सियासत की है और उनके दर्द को महसूस करके जो है वो उनके मसाइल को उजागर किया है और उनकी बेहतर और वसी तर नुमाइंदगी की बात की और ऐसा हो तो शायद ये जो बासठ साल का एडहॉगज़म है हमारे मुल्क में इसको हम ख़त्म कर सकते हैं उसके लिए ये तब्दीली आना बहुत ज़रूरी है एंड चेंज इज़ दी ओबा ओबामा की तरह हमें भी कहना होगा कि चेंज इज़ द नेम ऑफ द गेम और उसने मार्टिन लूथर किंग के इस ख्वाब को पूरा किया था कि आई हैव अ ड्रीम तो चेंज इज़ द नेम ऑफ द गेम और फिर अगर कोई एक लीडर नहीं है इस वक्त पाकिस्तान में जो पूरी कौम को इकट्ठा कर सके तो फिर वो लीडरशिप हमारे अंदर ही से तो आएगी यहाँ से आएगी यहाँ से लीडरशिप आएगी और ये ये सब में सलाहियतें हैं इन सब में काबिलियत हैं ये सब अपनी अपनी जगह अपने मोहल्लों में अपनी गलियों में अपने शहर में अपने कस्बों देहातों में यही लीडर्स हैं हमारे के आ, वो कहते हैं ना कि अपने अपने हाथों में लिए शम में यकी आएंगे अपने हाथों में लिए, लिए शम में यकी؟, यकी आएंगे, आएंगे आ आ ये आ ये। अब पैम्बर नहीं आएंगे हम ही आएंगे। वाह ये कॉन्फिडेंस जब तक लोगों को उनकी तकदीर बनाने का हक हाँ नहीं दिया जाएगा और उनको ऊपर उनको शोल्डर्स के ऊपर आप रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं देंगे वो भी ये नहीं यकीन करेंगे कि हमें कौम का हिस्सा समझा जा रहा भी है भी पर, पर है आपके सामने ये शहर बना बल्कि इसको मैं समझता हूँ कि जैसे जैसे मतदा की क़ियादत आती गई जहाँ जहाँ मुखालफतें हुई जहाँ बहुत अच्छा काम किया वहाँ बेानतहा तारीफें भी हुई मतहद कौमी मोमेंट जिस तरह से आगे जा रही है ऐसा क्यों नहीं हो रहा कि आपको भी जो है ना पूरे पाकिस्तान में जो है ना तमाम जब जब सारी पाकिस्तान की पार्टियाँ कराची से इलेक्शन लड़ती हैं सिंध से इलेक्शन लड़ती हैं तो वाई नॉट कि भाई वो मुतह कौमी मोमेंट भी जो है ना वो सारे सूबों से इलेक्शन लड़े और उसको भी वैसे ओपन आर्म मिले ओपन हार्ट मिले और उनको भी उस तरह से वेलकम किया जाए और एक एक ऐसी पार्टी जो के ख़िदमत का जज्बा रखती है काम करके अपनी कारदगी दिखा चुकी है तो क्या ये मुल्क के मफाद में नहीं होगा ऐसा करना देखिए सबसे पहले हमने ये कोशिश की थी कि हम महाजर कौमी मूवमेंट को मुतह कौमी मूवमेंट में तब्दील करें यह इक्यानवे में हमने फ़ैसला कर लिया चौदह अगस्त उन्नीस सौ बयानवे नाइनटीन नाइन्टी टू में हम इसका ऐलान करने वाले थे लेकिन उससे पहले एक रियासती ऑपरेशन हमारे ऊपर मुसलत किया गया और हमारी जो कौमी परवास थी उसको रोक रोक दिया, दिया गया और हमें पूरे पाकिस्तान में आ, अपनी तंजीम कायम नहीं करने दी गई और हमें यहीं पर हज़ारों मावर अदालत कत्ल हुए गिरफ्तारियाँ हुई तो उसमें हम उलझ गए फिर उसके बाद नाइनटीन नाइन्टी सेवन में हमने मुल्तान के घंटा घर पर एक बहुत बड़ा जलसा किया लेकिन वहाँ की जो बड़ी उस वक्त की जमातें थी उनकी तरफ से और वहाँ के मकामी जो सियासतदान थे उनकी तरफ़ से काफ़ी मज़ामत हुई और वहाँ पर भी लोगों के ख़िलाफ़ एक रियासती क्रैकडाउन हुआ गिरफ्तारियाँ हुईं उनके ख़िलाफ़ तशद हुआ तो हमें फिर वो सिलसिला बंद करना पड़ा फिर एक हमने और बड़ी कोशिश की और बहुत तैयारी के साथ 2005-8 अक्टूबर के जलसले के बाद जब तीसरे ही रोज़ अलताफ़ भाई की हिदायत पर 1500 सौ रजाकार के के एफ के और एम के वहाँ पहुंचे जी। तो लोगों ने जिस तरह उनको वहाँ के मुतासरीन के साथ शाना बचाना उनके और सुख में शरीक होते हुए देखा और उनको उस नफ्सियाती सदमे से निकाल कर दोबारा जिंदगी की तरफ लाने का जो अमल था उसमें एम का जो किरदार था एम के पार्लियामेंटेरियंस का वजरा का और जो रजाकारों का तो उससे हम पूरे मुल्क में हमारे बारे में एक जो तसुर क़ायम हुआ था एक मनफ़ी प्रोपेगेंडा हमेशा हुआ भी भी। आ, तो वो मैं समझता हूँ ज़ायल होना शुरू हमारे लिए वो सारी आ, रास्ते खुले फिर हमने कोशिश की 2005 के बाद तो 2008 के इंतबात तक पहुँचते पहुँचते फिर रुकावटें आईं लेकिन हमने इंतबात लड़े पहली मरतबा पूरे मुल्क से और हमने अगर सिंध से हमने पच्चीस लाख वोट लिए तो हमने कोई आठ लाख या छः सात आठ लाख वोट जो है हमने पूरे पाकिस्तान से भी लिए तो हम फिर आज़ाद कश्मीर से हमें दो था। था। फिर आज़ाद कश्मीर से हमने दो नशस्तों में कामयाबी हासिल की और अब मैं समझता हूँ कि ये इस्टेब्लिश हो गया जब गिलगित और बल्तिस्तान के इलेक्शन में मुतह कौमी मूवमेंट ने दूसरी पोजीशन हासिल की और एक नशस्त से सबसे भारी अक्सर से कामयाबी हासिल की तो मैं समझता हूँ इससे रजिस्टर हो गया कि एमकेएम एक कौमी जमात है और अभी एक इलाकई जमात नहीं है और इन शहा वहाँ से जो पंजाब के किसान हारी और वर्किंग क्लास के लोग हैं उनके जहनों में भी ये बात थी कि भाई शायद एम क्यूम इलेक्शन नहीं जीत सकती तो जीतने वाली जमात या जीतने वाला घोड़ा है उसी पर दाव लगाएं ये भी एक बात है और वहाँ पर जो जाहिर है कि एक, -एक मौरूसी सियासत, सियासत, सियासत है एक मौरूसी सियासत है एक रिवायती सियासत है एक वडेरों जागीरदारों की आ, सियासत है तो मैं समझता हूँ कि जब उसका मिथ टूटेगा टूटेगा और लोग उससे बाहर निकलेंगे और फिर अपने ही दरमियान में से वहाँ लीडरशिप आएगी तो हमने तो ये भी कहा है कि एम क्यू एम वहाँ पर कायम हो ना हो अगर वहाँ लोग जो वोट देते हैं वो सिर्फ वहाँ की जो सियासी जमातें हैं उनके लीडरों से रहनुमाओं से ये डिमांड करें कि वो आम लोगों को टिकट दें सियासी कारकुनों को टिकट दें तो मैं समझता हूं उससे मुल्क में एक तब्दीली हो जाएगी शायद फिर एम क्यूम की वहां जरूरत नहीं है किसी तो खूबसूरत आपने बात की है कि आप ये ये इकतेदार की बात नहीं कर रहे हैं आप सिस्टम को चेंज करने की बात कर रहे हैं बहुत खूबसूरत बात है कि एक तो आप ये कह रहे हैं कि हमें दें वोट हमें आजमाएं आप कह रहे हैं नहीं आप वहां से ही किसी को ले लें लेकिन वडेरे को उनको दोबारा ना लाए बल्कि अपने में से निकाल क्या अपने जो हमारी खातून है माँ बहन है उसको हाँ। खातन को एम्पावर करें बहुत अच्छी बेरोजगार लोगों को नौजवानों को एम्पावर करें उनको आगे लाए पढ़े लिखे लोगों को लाए नहीं है तो वो सामाजिक कारकुन एक स्कूल का टीचर या प्रिंसिपल उसकी गांव देहात में बड़ी इज्जत होती है आ, उसको लाएं। अगर उसको कौमी असेंबली में लिया तो मैं समझता हूँ एक एरिस जो होता है ना वो आर्टिस्टिक भी होता है आप में आर्ट की कौन सी सत्ता है देखिये फनकार होने का मतलब ये के, के आप एक बड़ी हसासकी नेचर हो बहुत सेंसिटिव हो, तो उसमें मैं समझता हूँ कि एक दर्दमंद दान जो है वो और दर्दमंद दिल रखने वाला जो सियासी कारकुन होगा उसको हसास होना पड़ता है तो वो वो भी एक फ़नकाराना जिसे अंदर कहते हैं ना उसकी उसकी भी एक आपके अंदर एक फ़नकार है लेकिन वो और, और उसमें वो, इस, उसमें फिर उसका शौक़ फ़नून लतीफ़ा के साथ वो होता है होता है उस, उसकी मशागिल में होता, होता है गज़ल गायकी हो जो है वो शोरा को पढ़ना हो आप किन शायर और अच्छी फिल्में देख लेना हो तो आप ये, ये, ये आप उधर आ रहे हैं तो मैं समझता हूँ उनका तो कोई सानी है मैं समझता हूँ की अगरब नहीं होते तो उर्दू अदब नहीं होता ना तो उनको उनके जमाने में इतना नहीं समझा गया जितना बाद में समझ बाद समझ में आए की तो रगों में दौड़ते फिरने के हम नहीं कायल आंख ही से जो ना टपके तो फिर लगुँ लगुँ क्या है, है। तो ये, ये। तो बात आपको शेर व तो शायरी रोमांस एक ऐसी चीज़ है जिस इंसान में ना हो वो फिर मुकम्मल नहीं होता बिल्कुल सही इस पर बिलीव करते हैं आप? बिल्कुल बिलीव करता हूँ तो लव की किस किन मराहल से गुजरे ये वो एक सियासतदान एक फेडरल मिनिस्टर एक डिप्टी कन्वीनर एक मतदा के रहनुमा

कि इसका मर्ज क्या है मर्ज क्या है अमराज क्या है फिर सही मर्ज के लिए सही दवाई देना ये भी ज़रूरी है ज़रूरी है अब उसमें आपने कोई दवाइयाँ दी है? अब उसमें हुआ ये मैं आपको बताता हूँ कि मरीज़ इश्क पर रहमत ख़ुदा की मर्ज़ बढ़ता गया जू जूँ दवा की तो ये भी एक सूरत है मर्ज बढ़ता गया। <laughs> ये भी तो उसमें सूरत यह है कि कॉलेज के ज़माने में देखे जहाँ को एजुकेशन है और इंसान फिर अपनी उम्र के जिस हिस्से से गुजरता है तो वहाँ पर जाहिर है कि ये भी एक, तौर पर एक एक तौर पर साइन होता है साइन होता है एक, एक स्टॉप का यहाँता है एक बंदा रुकता है कुछ देर है। के लिए अच्छा लेकिन वहाँ अलताफ़ भाई ने हम पर इतनी सख्त निगाह रखी हुई थी और ऐसी नजमो ज़ब के हवाले से तरबियत हुई थी और एक इनकलाब लाने की ऐसी जो है वो जहद में हम लोग थे कि कॉलेज का ज़माना जिस तरह गुजर गया पता ही नहीं चला और वह हसरत जो थी वो दिल की दिल में रही के भाई वो आप आप वो कर नहीं सके हम भी वो टक शॉप में कैफेटेरिया में वो कॉफी पिए बातें वो किताबों में पर्चे हाँ, वो किताबों के जरिए से कोशिश किताबों के जरिए कुछ बातें बाते कि अपनी जूनियर्स को पढ़ाते थे हाँ। तो उसमें कभी कभी होता था कि लड़कियों को ज्यादा पढ़ाते थे <laughs> लोगों को कम थे ऐसा होता है जमीयत ये, ये ये थी ए पी एम एस में मैं ये देखता था ऐसा था इसका पता बाद में चला ये, ये सिलसिले होते हैं होते होते हैं। लेकिन वहाँ कोई नहीं हुई कोई आ, ऐसी बात नहीं, नहीं, नहीं हो सकी क्योंकि आपने कहा ना कि नजर आप पे थी सख्त थी और आपकी तरबियत ऐसी थी

और अलताफ़ भाई ने शहर की कुंजी हवाले की और उसके बाद फिर वो जो कॉलेज के लोग आते थे जो डॉक्टर्स थे जो क्लास फैलो थे वो जब साथ आते थे फिर रोमांस हुआ कोई फिर उसके बाद तो फिर गुंजाइश नहीं रही फिर जो जो हम अपने वक्त में जिन लोगों को देखते थे इस तरह के सब लोग जिधर वो उधर देखते हैं हम देखने वालों की नज़र देखते हैं और, और खुदा की कसम बहुत कम देखते हैं तुम्हें जिन निगाहों से हम देखते हैं तो जब उनको देखने का वक्त आया तो वो ऐसा था कि वो फिर आ, किसी कोई एक बच्चे के साथ आ रही कोई दो बच्चों के साथ आ रही इसमें <laughs> फिर खानदान में तो नहीं खानदान से बाहर लव मैरिज कह सकते हैं मिक्स लव एंड अरेंज कह सकते हैं सेमी लव मैरिज वो हुई वो किसी वजह से पहली शादी नहीं चल हाँ सकी सस्टेन नहीं किया उसने वो डाइवोर्स पर जो है वो ख़त्म हुई और ये लोगों की कॉमन नॉलेज ऐसी बात नहीं है जी फिर उसके बाद मेरी दूसरी शादी हुई तो पहली वाइफ का नाम अफशा और मेरी दो बचियाँ जिससे दूसरी वाइफ शाहिदा वो मेरी एडवाइज़र थी शहर की ब्यूटिफिकेशन का हमने एक प्रोग्राम शुरू किया था का हाँ तो वो शहर की ब्यूटिफिकेशन के साथ साथ सोचा कि जिंदगी की ब्यूटिफिकेशन की तरफ <laughs> तोज्जो दी जानी चाहिए। चाहिए। चाहिए, चाहिए। तो शायदा की भी दूसरी शादी थी अच्छा अच्छा, और मेरी भी अब दूसरी शादी थी तो अब हमारी इस दूसरी बेड लॉग से हमारी हमारे कोई बच्चे नहीं हैं और उसकी वजह शायद यह है कि मेरे बच्चे तुम्हारे बच्चे मिलकर हमारे बच्चों को मार रहे हैं ऐसी कैफियत ना ऐसी कैफियत ना पैदा हो जाए कि मेरी दो बच्चियां हैं शायदा के तीन बच्चे हैं और फिर हम दोनों के बच्चे होते तो वो फिर वो तो तीन फैमिली बन जाती तीन फैमिली बन जाती <laughs> और भाई इतनी थका देने वाली ज़िंदगी है जहन भी थक जाता होगा आपका आपको इतना मूव करते हैं इतनी ट्रैवलिंग करते हैं इतनी दुनिया में जाते हैं इतनी आपके ऊपर ज़िम्मेदारियाँ हैं किसको सुनते हैं जिसको सुन के आपको सुकून मिले मौसी की भी रूह की गजा इस तरफ है कुछ रगबत आपको जगजीत चित्रा को बहुत ज़्यादा सुना लता मंगेशकर को बहुत सुना माशाल्लाह, मेहदी हसन को बहुत सुना और बहुत सुनते हैं आ, मुन्नी बेगम भी हैं वाह और फरीदा खानम हैं इकबाल बानू हैं आसिफ अली हैं ग़ुलाम अली हैं तो मेरे ख्याल में ये बड़े गजले और गीत और आपको गजलें पसंद हैं पसंदें है। आपको बहुत पसंद हैं बहुत पसंद है बहुत इंस्पायर करती हैं करती हैं आप और उसमें भी कहीं अशार जो हैं वो रूमानवी अशार तो होते हैं लेकिन इनकलाबी अशार भी गज़लों में फिट हो जाते हैं बहुत होते हैं बिल्कुल होते हैं कि हम देखेंगे हम देखेंगे हम देखेंगे लाजिम है कि हम, हम भी देखेंगे।, देखेंगे देखेंगे ये भी एक खूबसूरत अलग ही नजमी अंदाज़ है लेकिन बहुत खूबसूरत अंदाज़ है और बहुत पसंद किया जाता है और इसको बार बार टी वी पर आना चाहिए ये चीज़ें एक आदमी में जज्बा पैदा करती हैं जज्बे को ही जगाने की ज़रूरत है ये माहौल चल रहा है हमारा